साजिश के तहत घटना को दिया अंजाम। कल्याण के वालुधनी इलाके से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पड़ोस में ही रहने वाले सलाउद्दीन अंसारी, कसमुद्दीन अंसारी, मोहम्मद बिन अंसारी ने रोशनलाल कनौजिया की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि अमर बहादुर कनौजिया लॉन्ड्री का व्यवसाय करते थे। लॉकडाउन के कारण व्यवसाय पूरी तरह से ठप्प पड़ गया था, इसलिए परिवार का भरण पोषण करने के लिए अमर ने बेकरी का व्यवसाय शुरू किया था। वहीं ये तीनों कातिल पहले से ही बेकरी का व्यवसाय करते थे। इन कातिलों को अमर बहादुर का पाव और खारी बेचना नागवार गुजरा। इसी जलन में वो आए दिन जानबूझकर झगड़ा करते रहते थे। मंगलवार की सुबह तीनों दोस्त अमर बहादुर की दुकान पर आए और पाव की कीमत को लेकर झगड़ा करने लगे। उनका कहना था कि अमर कम कीमत में पाव बेचता है, इसलिए इसके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहस के दौरान उन लोगों ने अमर बहादुर को दुकान से निकालकर मारना शुरू कर दिया। अमर को बचाने के लिए उसका भाई रोशन आया। रोशन झगड़ा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कातिलों ने अमर को मृत समझकर छोड़ दिया और रोशन को पीट पीट के मार डाला। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। परिवार की मांग है कि तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ रोशन की हत्या की है। मैं भी साचा ब्रश कर रहे थे और कपड़े में पानी मार रहे थे, तो वो सर फोड़ के अंदर घुसा और चिल्लाने लगा कि इसने मेरा सर फोड़ा, बाहर निकल आया। तो वहाँ से वो सलाउद्दीन आया, बोलते तूने मेरे भतीजे साले का मतलब सर फोड़ा, तो मारने लगा। मेरे पापा सो रहे थे और नीचे आए, तो फिर उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, तो उछल के उसने छाती पे लात मारा फिर ऊपर वहाँ पे घसीट के लेके हम लोग पुलिस चौकी जा रहे, तो जाने नहीं दे रहा, नहीं जाने का पुलिस चौकी, आज तुम्हारा काम करूंगा। और हाँ, काढ़ा भी था, खारी टोस्ट बटर हमने चालू किए थे ना, पहले गाड़ी के ऊपर से झगड़ा हुआ था, तो वो पहले से झगड़े करने की कोशिश में था, लेकिन हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उसने ऐसा कर दिया। नीचे कोई नहीं था, हमें चाहती हूँ उसको फांसी, और वो जिंदा, मेरे पापा की जान गई है तो जान के बदले हमको जान चाहिए, फांसी होनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। फिर्यादी अमर बहादुर विपत कनौजिया हा 32 वर्षाचा हा लॉन्ड्रीचा व्यवसाय करतो, त्याचा एक भाऊ आहे जो बहीण झालेला याच्यामध्ये। हा जो फिर्यादी आहे अमर कनौजिया, याचा आणि त्याचे शेजारी राहणारे सलाउद्दीन यामीन अन्सारी, कसिमुद्दीन यामीन अन्सारी आणि मोहम्मद नाजीम अन्सारी यांच्यामध्ये एक जूनमध्ये एक वाहन लावण्यावरून त्यांच्यामध्ये वाद झाला होता पार्किंगच्या कारणावरून। त्याचप्रमाणे यातील हा जो फिर्यादी आहे हा पूर्वी लॉन्ड्रीचा व्यवसाय करत होता, पण या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये त्याचा व्यवसाय बंद झाला, त्यामुळे त्यानं खारी बिस्किट विकण्याचा व्यवसाय चालू केला होता। त्याला चांगला प्रतिसाद त्याला मिळत होता आणि यातील जे आरोपी आहेत हे पाव विक्रीचा व्यवसाय करत होता। ह्याच्याकडं फिर्यादीकडं लोक जास्ती प्रमाणात जाऊ लागल्यामुळे त्यांच्यामध्ये थोडासा दुश्मनी निर्माण झाली होती। त्याच कारणावरून आज सकाळी 9:30 वांदोलीमध्ये त्यांच्यामध्ये भांडण झालं आणि त्या भांडणामध्ये एकमेकाला मारहाण झाली आणि त्याच्यामध्ये हा जो फिर्यादी आहे त्याचा भाऊ कनौजिया हा त्याच्यामध्ये मैल झालेला आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपींना तात्काळ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बांधकर, MFC पोलीस स्टाफनी ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे, गुन्हा दाखल झालेला आहे, परिसरामध्ये शांतता आहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।